केजरीवाल को लगा है सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई थी, जिस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो आपको बता दें, अब 2 तारीख को अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। अरविंद केजरीवाल, जिनकी तरफ से मांग की गई थी कि 7 दिन उनकी जो अंतरिम जमानत है उसको बढ़ा दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया और इस तरह 2 जून को अब अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। तो चुनाव प्रचार के लिए उनको वक्त दिया गया था, लेकिन उसकी जो मियाद है वो 1 जून को खत्म हो जाएगी, यानी 2 तारीख को एक बार फिर जेल जाना होगा अरविंद केजरीवाल को। लेकिन कोशिश उनकी ये थी कि वो राहत ले लें कोर्ट से, लेकिन कोर्ट की तरफ से राहत देने से साफ इनकार कर दिया गया। जो 7 दिन अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग अरविंद केजरीवाल ने एक याचिका के जरिए की थी, उसको खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने याचिका को तुरंत सूचीबद्ध करने से मांग को खारिज किया। 2 जून को करना होगा केजरीवाल को सरेंडर। अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग की गई थी याचिका के जरिए। कोर्ट की रजिस्ट्री ने अदालत के पिछले आदेश का हवाला दिया, जिसमें अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत को 1 जून तक के लिए दिया गया था और उन्हें नियमित जमानत के लिए निचली अदालत जाने की स्वतंत्रता दी गई थी। तो यह बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है अपनी इंटरिम बेल को 1 हफ्ते से आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि जब अरविंद केजरीवाल जी ईडी की कस्टडी में थे, जुडिशियल कस्टडी में थे, तो उनका 7 किलो वज़न घटा था। जब वो बाहर भी आए हैं तो डॉक्टर्स की जाँच के बाद इसका अभी कारण समझ में नहीं आया है, ना ही वो वज़न फिर से उनका बढ़ा है। डॉक्टर्स ने जब टेस्ट कराए तो उनके कीटोन लेवल्स बहुत हाई निकले हैं। ये अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, सडन वेट लॉस, कीटोन्स लेवल का हाई होना किसी सीरियस बीमारी का इंडिकेटर हो सकता है, जिसमें किडनी की सीरियस प्रॉब्लम्स, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, मैक्स के डॉक्टर्स ने मुख्यमंत्री के चेकअप किए थे और उन्होंने एक एक्सटेंसिव हेल्थ चेकअप के लिए सजेशन दिया है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश जुड़ चुके हैं। अखिलेश, ये बताइए, आतिशी कह रही है कि इंटेंसिव हेल्थ चेकअप की बात वो यहाँ सामने रख रही है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट को ये सब कहा गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से कोई भी राहत नहीं मिली है फिलहाल अरविंद केजरीवाल को, जो उन्होंने अंतरिम जमानत के लिए कही थी, क्या कहा एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट ने? तो लगता है कि अखिलेश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम अपने सहयोगी अखिलेश की तरफ दोबारा रुख करेंगे। लेकिन आपको बता दें, बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल के लिए माना जा रहा है, क्योंकि अब बस कुछ ही दिन वो बाहर हैं। 2 तारीख को उनको एक बार फिर से जेल में जाना होगा, सरेंडर करना होगा। कोशिश उनकी ये थी कि शायद राहत मिल जाए कोर्ट से, लेकिन कोर्ट ने याचिका को अस्वीकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने याचिका को तुरंत सूचीबद्ध करने से जो मांग की गई थी उसको खारिज कर दिया, यानी अब 2 जून को अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना होगा हर हालत में। तो ये बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का याचिका सुनने से इनकार, और सीधे अखिलेश राय हमारे साथ जो है वो जुड़ गए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। अखिलेश, अंतरिम जमानत को लेकर यहां पर अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है, कोई राहत नहीं है, वो चाह रहे थे कि उनको राहत मिल सके। अखिलेश, क्या हुआ आज? देखिए, सबसे पहले तो आपको बताऊं कि ये सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने जो खबर आई है कि वो इनकार किया है। अभी इनके पास पूरा मौका है केजरीवाल के पास कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास अपनी दरखास्त करें कि इसको जल्द से जल्द इसको रजिस्टर्ड किया जाए, किसी बेंच के सामने रखा जाए। नियम ये है कि जब कोई याचिका दाखिल की जाती है तो उसको जल्द सुनवाई के लिए या तो कोर्ट में आना पड़ता है, कोर्ट ने कल ही कह दिया था कि आप चीफ जस्टिस के पास जाइए, और क्योंकि वेकेशन चल रहा है। दूसरी बात, रजिस्ट्री में भी जाना होता है जहां से ये लिस्टिंग होती है। रजिस्ट्री में जब इनके वकील गए तो रजिस्ट्री ने कहा कि हमारे पास पुराना ऑर्डर है जिसमें कि ये मूल याचिका जिसमें कि आप सुनवाई चाहते हैं, एक्सटेंशन चाहते हैं, वो याचिका खत्म हो चुकी है। उसमें ये साफ तौर पे कहा गया है कि 1 तारीख को खत्म हो रही है इनकी मियाद और 2 को सरेंडर करना होगा। ऐसे में हम इसे नए तरीके से लिस्ट नहीं कर सकते। अब इनको इस रजिस्ट्री से इस मामले में बड़ा झटका लगा है, अब चीफ जस्टिस के पास जाना होगा और मेंशन करना होगा। चीफ जस्टिस अगर चाहें तो इनके लिए कोई स्पेशल बेंच, अलग से बेंच बैठाई जा सकती है जो कि इनकी मांग पर सुनवाई कर सकती है। लेकिन जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के तहत रजिस्ट्री ने मना कर दिया है सुनवाई से, मना कर दिया है लिस्टिंग से।
जल्द लिस्टिंग से मना किया है। दरअसल रजिस्ट्रार ने ही लिस्टिंग करने से मना कर दिया है और आप ये कह रहे हैं कि अगर अब आगे अरविंद केजरीवाल को राहत चाहिए तो उनको सीधे सीजीआई का दरवाजा खटकाना होगा, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सीधे इस बारे में बात करनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश तमाम जानकारियां देने के लिए। और चलिए अब बात करते हैं, सियासी गर्मी के बाद बात करेंगे तापमान की।